अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी खाना। आज मैं बना रहा हूँ वाइट बोनलेस चिकन हांडी। बहुत मज़े की डिश है, बहुत सिंपल है। शुरू करते हैं। अब मैंने एक कप घी का कढ़ाई में डाला है और मैं इसको हाई फ्लेम पे गरम करूँगा। जी व्यूअर्स, घी गरम हो चुका है। अब मैं इसमें 5 दाने मैंने बेल चिली के लिए और 3 दाने लिए हैं मैंने छोटी इलायची के। इसको मैं घी में डाल दूँगा और उसको मैं फ्राई करूँगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने इनका प्यारा है, कलर आ चुका है। अब मैं इसमें 1 किलो बोनलेस चिकन ऐड करूँगा। जी व्यूअर्स, जैसा कि देख रहे हैं माशाल्लाह कितना सा प्यारा कलर आ चुका है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून साबुत धनिया डालूँगा, 1 टेबलस्पून ज़ीरा इसमें ऐड करूँगा, 1 टीस्पून मैं इसमें अजवाइन ऐड करूँगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। नमक मैंने इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच यूज़ किया है। काली मिर्च पीसी भी यूज़ करूँगा, आधी चाय की चम्मच। गरम मसाला पाउडर आधी चाय का चम्मच। सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगा। 1 प्याज लिया मैंने मीडियम साइज़ का, उसको बारीक चॉप किया और उसमें ऐड करूँगा। उसको अच्छे से मिक्स करूँगा। पाउडर मिर्च डालूंगा पीसी भी, तकरीबन आधी चाय की चम्मच। अब मैं इसको अच्छे से भून लूंगा। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा 1 टमाटर लिया मैंने नॉर्मल साइज़ का और 5 सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप करके, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगा और अच्छे से मिक्स कर दूँगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका बहुत प्यारा कलर आ रहा है। देखें आप, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर की वजह से इसमें और खूबसूरती आ चुकी है।
अब मैं इसमें एक पैकेट क्रीम का ऐड करूंगा। क्रीम इसमें ऐड कर लिया, मैं इसको अच्छे से भूनूंगा। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ रहा है। अगर आपको क्रीम पसंद नहीं है तो आप इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं। बस एक ऑलमोस्ट रेडी है, इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं और भूनूंगा, उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगा। जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह हमारी बोनलेस हांडी बिल्कुल रेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।